Good morning, dear students. I am going to explain Chapter 1 of Politics, the Indian Constitution. In this chapter, I will tell you what is the Indian Constitution and why is it required for the nation. The Indian Constitution, in the large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written form of documents in which we find such rules is called Constitution. This is the very important for you. Now let me explain. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में, चाहे और दूसरे कंट्री में भी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी रहती है, कास्ट अलग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज है. तो ये डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये लोग हैं. लैंग्वेजेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं. तो इन सभी को एक साथ चलाने के लिए, और पूरे कंट्री को एक साथ चलाने के लिए एक रिटेन रूल और रेगुलेशन है. और उस रूल और रेगुलेशन को जिस बुक्स में लिखा हुआ है, जिससे हमारी कंट्री चल रही है, उसको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. You can write highlighted sentences. Now, the first question, why does a country need a constitution? यानी हमारे देश को, चाहे किसी भी कंट्री को, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? In this picture, you can see, in 1934, the Indian National Congress, you can write down this highlighted sentences. In 1934, the Indian National Congress made the demand for Constitution Assembly. During the Second World War, this assertion for an independent Constituent Assembly formed only of Indian gained momentum, and this was convened in December 1946. The previous, stop the video and write down these notes. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006, they finally succeeded in putting an end to the powers of king. Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. तो आप लोगों को नेपाल का जो डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में दिया हुआ है. तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ. जो नेपाल है, नेपाल में पहले मोनार्की रूल्स था. मोनार्की मीन्स क्या होता है कि एक राजा का शासन, इसमें एक राजा जो भी रूल और रेगुलेशन चाहेगा वो पूरे कंट्री में लागू करेगा, और उसको, उस पूरे कंट्री के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. जिसको हम हिंदी में प्रजातंत्र नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजतंत्र. यानी जो राजा का तंत्र है, यानी जो राजा का ऑर्डर है, उसको सब भी जो है सिटीजन फॉलो करेंगे. तो उस नेपाल कंट्री में लोगों ने एक मोमेंट स्टार्ट किया. उस मोमेंट में धीरे धीरे जो किंग का शासन है, पहले किंग का शासन डायरेक्ट नहीं ख़त्म किया गया, किंग को ही राजा रहने दिया गया. एक काउंसिल बनाया गया था और वो काउंसिल राजा को सलाह देती थी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं राजा का एक अहम रोल होता था. बट धीरे धीरे वहाँ पे भी उस राजा के रूल्स को समाप्त किया गया, और वहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. और उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किस लिए जाता है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ में जो भी रूल रेगुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं
हमारे देश के जो लोग हैं उनके व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाता है ताकि वो सभी के ऊपर लागू हो सके और उसका कोई अपोज ना कर सके, और किसी को ये ना लगे कि ये सोसाइटी चाहे उस सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज, और यू राइट डाउन दिस पोर्शन, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। हाउएवर, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस। अभी डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये है कि डेमोक्रेसी में हम लोग खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव ही पार्लियामेंट में जाता है यानी लोकसभा राज्यसभा में जाता है, और वो आप हमको रिप्रेजेंट करते हुए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। बट उसको एक बार हम लोग इलेक्ट कर देते हैं, उस इलेक्शन के बाद वो मनमानी भी कर सकता है। उस मनमानी को रोकने के लिए हमें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ताकि एक रूल रेगुलेशन लिखा जाए और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो हम जिसको रिप्रेजेंटेटिव चूजते हैं उसको क्या पावर है, वो क्या क्या कर सकता है, उसके लिए एक रूल रेगुलेशन लिखा गया है सो दैट वो मनमानी ना कर सके। इस वजह से हमको कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। नाउ ये जो पार्ट है जो ग्रीन हाईलाइटेड किया हुआ है, ये एक शॉर्ट दिया हुआ है कि नेपाल में कैसे वहाँ पे लोगों ने एक मोमेंट चलाया और वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी स्टार्ट करा, और डेमोक्रेसी स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। तो इसको पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिए और जो इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाई आर पॉलिटिकल लीडर्स। यू कैन रीड इट कंप्लीटली एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, अभी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका की फीचर्स क्या है, यानी फीचर्स मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑफ सेवरल डिकेट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, डेमोक्रेसी जो इस्टेब्लिश हुआ है, वो इतना इजीली से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंडियन नेशनल मोमेंट एक बहुत बड़े स्तर पे इंडियन नेशनल मोमेंट स्टार्ट हुआ था, जो धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और उसको इस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और धीरे धीरे जो हम जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो मेन सोर्स रहा है वो स्टार्ट हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, जहाँ पे लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जान दिए और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए समय समय पर अपने सजेशन, अपने हर तरह से अपना योगदान दिया, तब जाके ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। दिस वॉज डन नॉट बाई वन पर्सन बट बाई अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम द मेम्बर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू कैन राइट दिस पार्ट, और आप लोगों को बताता हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये इसमें 300 पीपल थे जो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 में फॉर्म हुई थी, उसमें ये लोग जितने मेंबर्स थे इन्होंने काफ़ी, मतलब 3 ईयर्स तक काफ़ी मेहनत किया और जगह जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और उसकी जो मेन मेन चीज़ें थी जो
एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर लागू हो सकती थी और जो अपने देश के लोगों को हित पहुंचाने के लायक था, वैसे ऐसे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने दूसरे कंट्रियों से लिया और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में इन्होंने योगदान दिया। दिस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू कैन राइट दिस पोर्शन, दिस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटेन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बनाना स्टार्ट हुआ था उस समय इन लोगों के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था। क्यों चैलेंज क्यों था? क्योंकि ये कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, संस्कृति अलग अलग लोगों की संस्कृति, सबकी किसी का लैंग्वेज अलग है, किसी का वेशभूषा अलग है। और ये जो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय टर्माहौल में, टर्माहौल का मतलब एक विरोध था, एक लोगों के अंदर विक्षोभ था, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल रीडिंग दिस कीप इट माइंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आपको आएगा जो शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या है, जिसको हम हिंदी में वी कैन से संघवाद, हम हिंदी में इसको संघवाद बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि इंडिया एक कंट्री है, कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स, द स्टेट्स इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू तहसील, तहसील इज डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स। तो जो सब जगह डिवाइड है, ये पूरे कंट्री ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक पार्ट को एक पावर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट दिस नोट्स, आप इसको पहले लिख लो, इसके बाद इसको समझने की कोशिश करो। तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, एट द सेंटर, पंचायती राज इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये संवाद क्या है कि जो हमारा थर्ड टीयर सिस्टम है, जो रूल्स और रेगुलेशन का थर्ड टीयर सिस्टम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी रूल बनाती है, और लोकल बॉडीज जो पंचायती राज हैं, जो हम पंचायत, जो हमारे गांव में प्रधान होते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है मेयर होते हैं, इन लोगों को भी कुछ न कुछ पावर दिया हुआ है, और इस पावर को ही हम फेडरलिज्म बोलते हैं, यानी सबके पास कुछ न कुछ पावर दिया हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरी वन, इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर पर्टिकुलर एरिया, वाइल ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉय ऑटोनोमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इशूज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न, रिक्वायर्ड दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इशूज दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जो फेडरलिज्म है वो इस वजह से बनाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने प्राइम मिनिस्टर, हमने लोकसभा का इलेक्शन हुआ,
और हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठ के और पूरे कंट्री के लिए एक रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं सिर्फ, तो उसमें जो ऑटोनॉमी है, जो हमारा स्टेट का पावर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमको हमारे स्टेट को भी पावर दिया हुआ है कि हमारा स्टेट भी एक रूल्स रेगुलेशन अपने स्टेट के लोगों का लिए बनाएगा। तो इसीलिए फेडरलिज्म है, यानी हमारा ऊपर से नीचे तक लेकर जो पावर है वो शेयर किया हुआ, दिस इज द फेडरलिज्म। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाई लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाई ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर थ्री टीयर सिस्टम इन आर कंट्री। द फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज पंचायती राज, जो हमारा ग्राउंड लेवल यानी जो लोकल बॉडीज है वहाँ पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो फर्स्ट यू राइट दिस पार्ट, आफ्टर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्टेड इन इलेक्शंस। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो जो हम इलेक्शन कंडक्ट होता है उस इलेक्शन कंडक्ट में जो भी 18 ईयर्स से अबव एज के लोग हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर यानी सेलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजेंगे, और उस पार्लियामेंट में वो जो रिप्रेजेंटेटिव है रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए हम आपको रिप्रेजेंट करेगा। और वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, या टू द पीपल, यहाँ के लोगों के लिए अकाउंटेबल होंगे। और कुछ भी कर रहे हैं तो हमको उनको जवाब देना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझाना पड़ेगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो क्यों किया है। तो यानी वो किसके लिए अकाउंटेबल है, वहाँ के जनता के लिए। अब आपको जो फेडरलिज्म बताया था उसी का ये एक पार्ट है, द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स है, जो शक्तियों का बंटवारा है, वो भी क्या है, की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो आपको ये जो थ्री पार्ट है, एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसको सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या है, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो कानून बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करता है। एंड जुडिशरी क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है और कानून बनाया उस पर मॉनिटरिंग करता है, यानी उसको देखता है कि ये हमारे देश की जनता के हित में है या नहीं। तो मेन पार्ट है ये, तो इसको आप कंप्लीटली लिख लीजिए। एंड द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। द एग्जीक्यूटिव इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर, आप यूनिट थ्री इस बुक में जो यूनिट थ्री है उसमें जुडिशरी के बारे में हम काफ़ी एक्सप्लेन में पढ़ाएंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस पार्ट, आप इस पार्ट को पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। तो व्हाट इज द वर्ड स्टेट, हम लोग नॉर्मली वी हैव रिफर स्टेट मींस राज्य, बट इन दिस बुक स्टेट मींस, स्टेट डज नॉट मीन द राज्य, यानी जो स्टेट का मीनिंग यहाँ पे राज्य से नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है उस कंट्री से। अगर स्टेट वर्ड दिया है तो इसका मतलब, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, जैसे स्टेट वनली दिया हुआ है, तो स्टेट का मतलब हम अपने कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ, द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर, दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट।
यानी ये रेफर स्टेट को गवर्नमेंट के बारे में नहीं बताता है। रेदर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो स्टेट है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉज। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। द स्टेट इन अदर हैंड्स रेफर टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट sovereign people who occupy definite territory. We can thus speak of the Indian state, Nepali state. The Indian state has democratic form of government. The government or the executive is the one part of state. इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और इसको remember कर लीजिए, और if you're not able to understand, please ask me. This is the most important question for your exam, a true and false and one liner question and multiple choice question. Baba Saheb Ambedkar is known as the father of Indian constitution. So who is the father of Indian constitution? The father of Indian constitution is Baba Saheb Dr. Ambedkar. If kahin kahin pe aapko mila rahega Dr. Bhimrao अंबेडकर, ओके आप ये पिक्चर देख लीजिए कि जो हमारा इलेक्शन होता है इसमें लोग लाइन बना के खड़े हैं, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अपना मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यहाँ पे कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई सोसाइटी का भेदभाव नहीं है, कोई कम्युनिटी का भेदभाव नहीं है, और यहाँ पे सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। और यही रिप्रेजेंटेटिव जब हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर इज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम नॉर्मली हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमारे सिटीजन को दिया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है, जो हर एक सिटीजन का नागरिक, जो हर एक सिटीजन जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका अधिकार है। और इन अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? हमारा कोर्ट करता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में पहले आप इसको पॉज करिए, पूरा कंप्लीटली लिखिए जो हाईलाइट किया हुआ है, उसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। नाउ राइट टू इक्वलिटी, ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वल बिफोर द लॉ यानी हमारे भारत के सभी लोग, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध, कोई भी कास्ट के लोग हों, वो सभी लोग कानून के नज़र में एक समान हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। इट आल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड मीन्स क्या होता है? किसी के मतलब भेदभाव नहीं कर, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेट द बेसिस ऑफ देयर, यानी किसी को बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट एंड सेक्स, यानी किसी रिलीजन यानी धर्म, कास्ट मतलब जात, सेक्स मतलब जैसे आप मेल हो फीमेल हो, इस हिसाब से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड होटल शॉप्स। मीन्स कोई भी आदमी हमारे देश में कहीं पे भी जा सकता है, और कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, उस एरिया को प्रतिबंधित नहीं कर सकती कि इस एरिया में इस कास्ट के लोग आएंगे, इस एरिया में इस कास्ट के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश। इस जो राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी जो दिया हुआ है राइट्स, इस राइट के वजह से हमारे जो इंडिया में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो पहले बहुत पहले थी, आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो थी वो एबोलिश हो गई। पहले छुआछूत ये था कि कुछ कास्ट के लोगों को हम सेपरेट रखते थे,
भाई उनसे मतलब उनके पास नहीं आना, वो हमारा किसी मतलब नल को नहीं छू सकते थे, ये सब बहुत सारे चीजें थी जिसको भी एबुलिश कर दिया गया। किसके अंडर? राइट टू इक्वलिटी के अंदर। सेकंड पे राइट टू फ्रीडम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या आप यानी आपको फ्रीडम है, आपको आप स्वतंत्र हो कुछ कुछ भी बोलने के लिए और अपने कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए। बट ये जो एक स्पीच है और एक्सप्रेशन है, ये किसी दूसरे के राइट को नहीं खत्म करना चाहिए। आपका जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे खत्म हो जाता है जब वो किसी दूसरे का वायलेशन स्टार्ट करता है। यानी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है वो है आपके खिलाफ जो भी चीजें हो रही है तो उसके खिलाफ आप बोलने बोल सकते हैं, वो अधिकार दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, ये दिया हुआ है आपको राइट टू फ्रीडम के अंदर। आपको थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन मीन शोषण होता है। जब आपको अधिकार, जो आपको अधिकार गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है, गवर्नमेंट हमको क्या अधिकार देता है? गवर्नमेंट हमको वही अधिकार देता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। एक्सप्लॉयटेशन, जब हमारे अधिकार के ऊपर कोई हनन होता है, यानी उस अधिकार को हटाया जाता है, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो हमको राइट अगेंस्ट, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास राइट्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? जो मतलब हिंदी में हम मानव तस्करी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चों को एंड औरतों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचा जाता है, और आप अंदर ही अंदर कोई जिसके पास कुछ मतलब कोई दूसरा रीजन है उसमें सेल करते हैं। तो ये मतलब गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फोर्स लेबर, यानी जबरदस्ती से किसी का से लेबर वर्क करवाना, और 14 ईयर से कम बच्चे को अगर कोई काम करवा रहा है तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं और उसके को मना कर सकते हैं। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन है, रिलीजन क्या है? धर्म। जो हमारा धर्म है, यहाँ पे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वी हैव राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। अब कोई किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है। और ये जो राइट है, ये हमको क्या है? फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन दियर चॉइस। यानी आप अपनी चॉइस से, आपको अधिकार है कि कोई भी रिलीजन आप फॉलो करिए, उसका प्रचार करिए, और वो आपकी स्वतंत्रता यानी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। नो बडी कैन स्टॉप यू। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज वर्ड क्या है? जो माइनॉरिटी है, हमने देखा हुआ है कि हमारे कंट्री में कुछ लोग, जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटी है जिसका पॉपुलेशन कम है। तो जिसकी पॉपुलेशन कम है वो माइनॉरिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में अगर आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उस 20 स्टूडेंट्स में अगर 15 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, तो दैट मीन्स फीमेल इज कॉल्ड माइनॉरिटी इन दी दैट क्लास। तो कल्चर एजुकेशन, यानी आपको राइट है कोई भी कल्चर फॉलो करिए, और रिलीजियस लिंग्विस्टिक कोई भी रिलीजन कोई भी लैंग्वेज, यू कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। यानी अपना जो खुद का कल्चर है उसको डेवलप करने का अधिकार दिया हुआ है किसने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो
आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है कि अगर कोई भी गलत चीजें हो रही है आपके खिलाफ तो उसको सुधारने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो पावर्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करना है। द अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट, यानी आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल्स या रेगुलेशन बनाया जो आपके सोसाइटी को या आपको खुद को नुकसान हो रहा है और जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं और उस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर आपको इफ यू फील दैट कि माई फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड बाय द स्टेट, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड इन द कोर्ट यू कैन फाइट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द कॉल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज द सिक्स फंडामेंटल राइट्स एंड इनिशियली देयर वर सेवन फंडामेंटल राइट्स। द राइट्स ऑफ द सेवन फंडामेंटल राइट्स दैट इज संपत्ति का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार था, जो उसको एबोलिश कर दिया गया, तो अभी हमारे पास सिक्स फंडामेंटल राइट्स है। और इस फंडामेंटल राइट्स को आपको सिक्वेंस वाइज ही याद करना है, यानी जो फंडामेंटल वन है फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वलिटी, तो उस पे अगर आप वन लिखते हो तो फंडामेंटल वन राइट में राइट टू इक्वलिटी ही लिखना है, और टू में राइट टू फ्रीडम लिखना है, थ्री में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लिखना है, फोर्थ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ में कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, एंड सिक्स में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट शुड बी इन सिक्वेंस वाइज द फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है इसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर आत्मा बोलते हैं। जो अंतर आत्मा, जो हमारी अंतर आत्मा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेट ऑफ रिटेन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द, प्लीज राइट इट, सेट ऑफ रिटेन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फंडामेंटल राइट्स देयर फॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एक वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना तरीके से, मनमाना तरीके से। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई कुछ भी बोल रहा है आपको, बट आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, तो दैट इज आर्बिट्रेरी वे। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है वो आपको इसलिए लिखा हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट आ गई, तो अगर वो अपने हिसाब से पूरे देश को चला रही है तो क्या होगा, वहां पे आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ए सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन और फंडामेंटल्स राइट्स जो दिए हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयर फॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मेजोरिटी है, जैसे इंडिया में मेजोरिटी मान लीजिए हिंदू ज़्यादा मेजोरिटी मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो हमको बोल देंगे मेजोरिटी में है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती है जिसमें मेजोरिटी सोसाइटी को फायदा हो और माइनॉरिटी सोसाइटी को लॉस हो। ओके, सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म वर्ड है, सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म तो होता है हिंदी, इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये है धर्म निरपेक्षता, यानी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती और
किसी भी धर्म को ये बारे में ये नहीं बोल सकती कि ये धर्म जो है हमारे देश का धर्म है। यानी सभी धर्म को एक बराबर दर्जा देना है और एक सबको एक बराबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसको आप यू हैव टू राइट दिस पार्ट विच इज़ हाईलाइटेड इन येलो। ए सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री टू एडहेयर टू इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्रूशियल रोल मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हमारे देश के सिटीजन भी फॉलो करते हैं। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, और जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सब इसमें जाते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उनको इलेक्ट कर लिया तो अपने तरीके से काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना पड़ेगा। नाउ इलस्ट्रेट ईच ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमको जैसे 6 फंडामेंटल्स राइट्स है, तो उसके साथ साथ हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको पिक्चर बनाना है, ड्राइंग एंड पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स बना के उसके बारे में एक दो लाइंस लिखनी है। ये आपका होम असाइनमेंट है, आपको अपनी कॉपी में करना है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ ही चलती रहती है। ए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, वन लाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द एबो फोटो शो वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका फाइनल सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये आपकी दीज आर द एक्सरसाइजेस फॉर यू। फर्स्ट, वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक, प्लीज यू कैन राइट इट। लुक एट द वर्डिंग ऑफ, यू कैन रीड इट। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इस को पढ़िए। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल इजी तरीके से मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इसको पढ़ के और इसके क्वेश्चन के आंसर लिखिए। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। एंड दीज आल्सो दीज आर असाइनमेंट फॉर यू। इन इंडिया मैप कलर इंडिया इन रेड एंड कलर नेपाल इन ग्रीन एंड कलर बांग्लादेश इन येलो। नाउ आई विल शो यू वेयर इज द, नाउ यू ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज द मैप, दिस इज द मैप ऑफ, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस एरिया इज नेपाल, दिस एरिया इज द नेपाल एंड दिस एरिया इज द बांग्लादेश एंड दिस आर द, दिस एरिया आर कंट्री। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग। तेलंगाना, तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जून 2014 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। या मीन्स 2 जून 2014 को 29 स्टेट फॉर्म हुआ था, बट नाउ डेज देयर आर ओनली 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज रीऑर्गेनाइज एज 2 UTs। ओके, ग्लोसरी, ग्लोसरी मीन्स वाटर होता है जो शब्दकोश होता है बेसिकली। द हार्ड वर्ड इज आर्बिट्रेरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है मनमाने तरीके से कोई काम करना। आइडियल मीन्स होता है एक आदर्श,
एक ऐसे जैसे कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो हम बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट, तो सेम ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वेरी आइडियल हैं। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी आपको बता दिया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है क्या, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाया हुआ है उसका जो सोर्स है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और वो ना इसका ही रिजल्ट रहा कि हम 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, एंड आफ्टर दैट ऑन 26 जनवरी 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। ओके, एंड यू कैन रीड द मीनिंग ऑफ पॉलिटी इन योर बुक्स। एंड सोवरेन, सोवरेन मीन्स क्या होता है, द पावर कंसिस्ट विद द पीपल, यानी जो भी पावर है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उसको पावर किसने दिया है, हमारी कंट्री, हमारे कंट्री के लोगों ने दिया है। तो ठीक है, तो इन द कंटेस्ट द चैप्टर इट रिफर्स एन इंडिपेंडेंट पीपल, जो हमारे देश के लोग हैं टू वो संप्रभु, यानी उन स्वतंत्र हैं, संप्रभु उनके अंदर ही सारे पावर है और स्वतंत्रता है, सब कुछ उनको मिला हुआ है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है मानव तस्करी। मानव तस्करी का मतलब क्या है कि ट्रैफिकिंग मतलब होता है सामान को लेना, यानी बाय एंड सेल। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब ह्यूमन में मतलब मैं ह्यूमन मानव को बेचना और खरीदना। तो जिसमें नॉर्मली तौर पे देखा गया है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन इसके विक्टिम होते हैं। और ट्रेनिंग मीन्स होता है अत्याचार करना, यानी अत्याचार कैसे हो सकता है, क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ द पावर और अथॉरिटी। जब आपको मान लीजिए पावर मिल गया, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और आप उस प्राइम मिनिस्टर की जो पावर को बुरी गलत तरीके से हमारे सिटीजन यानी कंट्री के सिटीजन के ऊपर लगा रहे हो और उनको परेशान कर रहे हो, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, तो उस को टिरैनी कहा जाता है। तो आई होप दैट कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क माई ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।